हेलो फ्रेंड्स, मैं रियाज और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल रियाज इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ 9 ऐसे फ्रेजेस शेयर करूंगा जिसमें आपको नाइस टू मीट यू कहने की जरूरत नहीं है, यानी नाइस टू मीट यू की जगह आप ये फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल देन, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल यट देन सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम मी। सो लेट्स बिगिन। नंबर वन, प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। नंबर टू, आई एम ग्लैड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर खुश हूं। ग्लैड का मतलब होता है खुश होना, यानी अगर आप किसी से मिलकर खुश हैं तो आप इस फ्रेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम ग्लैड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई या मैं आपसे मिलकर खुश हूं। नंबर थ्री, इट इज फन टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके मजा आया। नंबर फोर, इट वॉज नाइस मीटिंग यू, ये आपसे अच्छी मुलाकात रही या ये आपसे अच्छी मुलाकात थी। नंबर फाइव, इट वॉज लवली मीटिंग यू, ये आपसे प्यारी मुलाकात थी या आपसे बहुत अच्छी मुलाकात थी। नेक्स्ट फ्रेज, ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू, इसका मतलब है आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। नंबर सेवन, इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी होती है या आपसे मिलकर खुशी हुई। नंबर एट, हाउ वंडरफुल टू मीट यू, ये आपसे मुलाकात करके कितना अच्छा था, कितना अच्छा लगा। नंबर नाइन एंड द लास्ट वन, प्लीज टू मेक योर एक्वेंटेंस, इसका मतलब है आपसे जान पहचान करके या आपसे जान पहचान बढ़ा के बहुत अच्छा लगा या बहुत खुशी हुई। तो दोस्तों, ये थे वो 9 ऐसे फ्रेजेस जो आप नाइस टू मीट यू की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।